टीचिंग से घरोंडा जा रही 65 वर्षीय महिला की तबियत खराब हो जाने से करनाल घरोंडा से सीएससी स्वास्थ्य केंद्र में महिला की मौत हो गई। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला पहले भी बीमार चल रही थी तो वह निसिंग से घरोंडा अपने बेटे से मिलने के लिए आई हुई थी तो अचानक उसकी तबियत खराब हो गई और उसके बाद उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल शव को कब्जे में लेकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मर्चरी हाउस में रखवा दिया गया है। शिनाख्त के लिए परिजनों को बुला लिया गया है और परिजनों द्वारा किसी भी प्रकार की किसी के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है और वहीं परिजनों ने कहा है कि महिला कुछ दिन से बीमार चल रही थी तो अचानक उसकी मृत्यु हो गई। क्या मामला है सर, क्या बात हो? मामला ये था, हमारी रिश्तेदारी में ही थी, बहन लगती थी, वो निसंग से अपने पति के साथ घरोंडा चली। उनका बेटा ना नौकरी करता है, सोनू बड़े वाला लड़का, तो वो वहीं पर रह रही थी एक दिन के लिए। वो घर घूमने के लिए चली गई थी निसंग, तो जैसे वो वहाँ पनौड़ी रोड पर पहुँची ना, उसके बेटे ने वहाँ कोठी बना रखी है। जैसे वो वहाँ पर पहुँची ना तो उसको चक्कर आ गए, जो वहाँ को लोगों ने बताया, हमने SHO से संपर्क किया, मोहनलाल जी से जो घरोंडा में इस टाइम मौजूदा SHO हैं, तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे करके हॉस्पिटल में हमें पता लगा, टेलीफोन आया। खैर वो पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच गई, मगर उसको जो नर्स थी, नर्स बता दी भी तड़फी बहुत है उसके, या तो दिमाग में चोट लगी कहीं ना कहीं, सिर की चोट लगने के से उनकी मृत्यु होगी। बाकी उन्होंने निसंग थाने में कंप्लेंट करा दी, हो रही है भागे फिरे चारों, उसकी लोकेशन जो मिल रही थी वो वहाँ तक मिली है घरोंडे तक। उसके बाद कल पता लगा, जैसे सारे रिश्तेदार लगे हुए थे ढूंढने के लिए, तो कल पता लगे उनकी मृत्यु हो चुकी है और मर्चरी हाउस में उनकी डेड बॉडी कल वाले चावल में पहुँचा दी। फिर हम कल सभी आए तो आज उसका पोस्टमार्टम है। बहुत दुखद घटना हुई परिवार के साथ में, माँ तो माँ ही होती है जी। बुजुर्ग महिला बस 65-66 साल में लग रही थी, अभी तो जिम्मेदारियाँ थी, एक बेटा रह रहा है, अपने बेटे से मिलने के लिए। हाँ बेटे सब वो वहीं रह रही थी घरोंडे ही, एक बेटा उनका निसंग भी रहता है, एक गुड़गांव नौकरी करता है फरीदाबाद, चार बेटे हैं। बस देखो परिवार को दुख तो है ही है ना, एक आदमी के जाने का, एक अभी जिम्मेदारियाँ थी परिवार के अंदर, अब उसके सुख भोगने के, क्योंकि बेटे चारों अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, अब क्या कर सकते हैं। 2-3 दिन तक डेड बॉडी भी पहुँच। हाँ कल भी हमने जोर लगाया, मगर वो 7:30 बजे जैसे हम यहाँ पहुँचे, पुलिस ने तो अपना, चलो उन्होंने भी अपना पूरा काम करा, कहें सुबह ही हम पहुँच जाएंगे, आप उनके डेड बॉडी की अब तैयारी हो रही है, पुलिस का काम हो गया, थोड़ा सा रह रहा है, उसके बाद डेड बॉडी निसंग ले जाएंगे। क्या नाम है सर आपको, क्या लगते हैं आपके? वो मेरे रिश्तेदारी हैं, वैसे तो वो मामा की लड़की लगती है, और जो बड़ा बेटा है रिश्तेदारी में, मैं मामा फूफे के साडू भी हैं। क्या मेरा बड़ा बेटा, मैं विनोद तितोरिया हूँ, पुटपाल से। धन्यवाद सर। हाँ सर, क्या पूरा मामला? ये दिनांक 30/6/2021 को एक बुजुर्ग महिला घरोंडा बस स्टैंड के पास लावारिस हालत में मिली थी, जो लोगों ने CHC घरोंडा में उसको दाखिल करवा दिया, जिसको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। घरोंडा पुलिस ने 72 घंटे की शनाख्त के लिए मोर्चरी करनाल रखवा दिया था, जो वारसन रुड़ते हुए नाश को पहचान लिया। उनकी माता जगवती है, जो निसंग से घरोंडा के लिए चली थी, जो काफ़ी समय से लगभग 5 साल से बीमार बता रहे हैं चल रही थी। बीमारी के कारण अचानक वह मौत होगी, किसी इनका किसी पर कोई शक नहीं है, फिर भी पोस्टमार्टम करवा जा रहा है, कोई बात होगी तो मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घर पे कोई झगड़ा वगैरह? ना कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं। 55-60 साल की इनकी उम्र थी, कोई झगड़ा नहीं, बुजुर्ग महिला थी। परिवार के लोग पहुँचे हैं, पहचान कर ली है, पोस्टमार्टम करा जा रहा है, 174 की कार्रवाई। धन्यवाद। ठीक। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।